नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और आज मुझे आपके साथ डिस्ट्रक्टिव कंडीशन वाली एक दवाई शेयर करनी है। ठीक है, वैसे बहुत सारी मेडिसिन्स है अपने होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में जिसे स्पेसिफिकली सिफिलिटिक मायाजम में यूज़ किया जाता है। सिफिलिस यानी कि ऐसा मायाजम, सिफिलिटिक कंडीशन यानी ऐसी कंडीशन जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हर जगह पे दिखता है, वाट लग चुकी है। ठीक है, सो ऐसे जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस है, ऐसे जो डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी वाले डिसीजेस हैं, वो अंडर सिफिलिटिक मायाजम आते हैं। और ये कंडीशन किसका रहेगा, कौन से ऐसे मेडिसिंस रहेंगे जो अगर आपको समझ में आता है कि जो पेशेंट है उसका डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी है, दो लेवल पे डिस्ट्रक्शन। एक तो उसके नेचर में डिस्ट्रक्शन समझ में आता है, द पर्सन इज़ वेरी वायलेंट, वेरी एग्रेसिव, और द थिंग इज उसके जो डायग्नोसिस है या फिर उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जो कि उनका कंडीशन जिसके लिए वो आपके पास आए, वो डिस्ट्रक्टिव कंडीशन है, अंडर सिफिलिटिक मायाजम आता है। अगर ये आपको समझ में आया तो आपके दिमाग में कुछ 4-5 ड्रग्स आने चाहिए, जैसे कि सिफिलिनम है, जैसे कि मर्क्यूरी है, जैसे कि आज जो ड्रग मैं सिखाने वाली हूँ वो है एल्यूमिना। अभी देखिए, ये जो एल्यूमिना है वो क्या है, ये तो है एक ऑक्साइड एल्यूमिनियम का। ठीक है, अभी ये जो एल्यूमिना है, ये नाम जब भी आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि ये कंफ्यूज्ड है ना। बहुत सारे अगर स्टूडेंट्स को मैं पूछती हूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट एल्यूमिना, तो वो क्या बोलते हैं, एल्यूमिना मतलब मैडम, वो कन्फ्यूज रहता है। सो अगर बस इतनी ही बात आप अपने दिमाग में एल्यूमिना के बारे में रखते हैं तो आप कहीं पे गलती कर सकते हो, क्योंकि कन्फ्यूजन को ना बहुत छोटे लेवल पे कई बार देखा जाता है, जैसे कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई एम वेरी कन्फ्यूज, मुझे अगर चॉइसेस दिए जाए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पिक करूँ या वो पिक करूँ। तो कन्फ्यूजन खाली इतना ही नहीं होता, एल्यूमिना समझने के लिए कन्फ्यूजन का डेप्थ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी देखिए, एल्यूमिना जो है उसका जो कन्फ्यूजन वाला स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन अंडरग्राउंड रूटेड कन्फ्यूजन है। वो कहाँ से पैदा होता है, सो वो जर्नी हम लोग आज देखने वाले। देखिए, जब भी कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, अथॉरिटी के और आपके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, और अथॉरिटी तो आपको पता है, अथॉरिटी मतलब ऐसी चीज़, ऐसा इंडिविजुअल जो आपसे बढ़ के है, जो पावर में आपसे ज़्यादा है, जिसको आप बैक आंसर नहीं कर सकते या जिसको आप जिसके अपोजिशन में आप ज़्यादा नहीं जा सकते, वो अथॉरिटी है। तो एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स अथॉरिटी है, करेक्ट। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट पेरेंट और बच्चे के बीच में है, अगर पेरेंट्स जो है वो बार बार लगातार बच्चे को सिर्फ मना करते रहते हैं चीज़ों के लिए कि तू ये नहीं करना, ए तूने क्या किया, ऐसा ही नहीं है, चल ये बराबर नहीं, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तुझे क्या बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अगर ये नो 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 नॉट नेवर ये चीज़ अगर बार बार एक पेरेंट डाल रहा है, तो बच्चा जो है, जैसे हम लोग होम्योपैथी सीखते हैं, होम्योपैथी में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का थंब रूल क्या है कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो अगर समझो पेरेंट एक इंडिविजुअल है, उसका बच्चा एक दूसरा इंडिविजुअल है, भले वो बायोलॉजिकली उसकी मदर है, फादर है, वॉट एवर, बट द इंडिविजुअलिटी विल बी डिफरेंट, राइट। जो ट्विन बेबी रहते हैं उनका भी इंडिविजुअलिटी अलग रहता है। तो अगर पेरेंट ने बच्चे का इंडिविजुअलिटी समझा नहीं और बहुत स्ट्रिक्ट रहे और बहुत ज़्यादा बच्चे को रोक टोक करते रहे, तो उस बच्चे का इंडिविजुअलिटी वो सप्रेस करते हैं। और कभी भी अगर बच्चे का इंडिविजुअलिटी पेरेंट्स सप्रेस करते हैं तो वो बच्चे में क्या दिखाई देगा, आप इमेजिन करो कि एक पेरेंट है जो सुपर स्ट्रिक्ट है, बच्चे को बार बार गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है, हर एक छोटी चीज़ के लिए उसको करेक्ट कर रहा है, उसको बोल रहा है तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, चल तू छोटा है, तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, तुझे कुछ आता नहीं, तुझे कुछ पता नहीं चलता। तो बार बार जो हम लोग सुनते हैं वैसे हम लोगों का
एक पर्सनैलिटी पर्सोना बन जाता है, तो वो बच्चा क्या समझेगा कि अगर मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ समझता ही नहीं, तो वो अपने आप को भी वही समझेगा कि मैं तो बुद्धू हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। तो उसका जो इंडिविजुअलिटी था उसको डिनाई कर दिया पेरेंट्स ने, उसको सप्रेस कर दिया, और वो बच्चे का इंडिविजुअलिटी उभर के ही नहीं आया क्योंकि उसके पेरेंट्स ने वो आने ही नहीं दिया। और वो बच्चा बहुत अंडर प्रेशर है, ही इज़ नॉट एबल टू डू वॉट एवर ही फील्स लाइक डूइंग, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। ठीक है, तो ऐसा जब बच्चा अपने आप को कोसते रहेगा क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कोसते हैं, ऐसा बच्चा जब बार बार सुनता है कि तू बुद्धू है, तुझे समझ में नहीं आता, तो वो अपने बारे में भी वो ही सोचने लगता है कि हाँ मैं बुद्धू हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर उसको ऐसे लगता है कि मैं अपने लिए सोच नहीं सकता, तो वो हमेशा ही पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड बन जाता है, तो कभी भी वो अच्छे से कोई डिसीजन नहीं ले पाता, इनडिसिसिव बन जाता है। तो यही बच्चा जो है वो खुद से कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाता, वो डिपेंडेंट हो जाता है अपने पेरेंट्स के ऊपर हर एक छोटी मोटी चीज़ के लिए, क्योंकि उसको उस तरीके से शेप किया गया। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं, ये जो ओवर स्ट्रिक्ट आप बन रहे हैं, ये जो बच्चों को बच्चों के जैसे बिहेव नहीं करने दे रहे, ये आप बहुत गलत कर रहे हो उसके साथ जिसकी इंडिविजुअलिटी अभी उभर के आना चाह रही है। ठीक है, तो उसको सप्रेस करना बहुत बुरी बात है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस आपने वहीं पे काट दिया, तो ये बच्चा हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, खुद को बहुत कम समझता है, उसको लगता है दुनिया में वो सबसे कम आईक्यू वाला है, सबसे बुद्धू है, उसको कुछ नहीं आता। यही उसका थॉट पैटर्न, यही उसका मेंटेलिटी बन जाता है, इसीलिए वो कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन, उसे नहीं पता कि वो कौन है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर सकता है, उसे नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, उसे नहीं पता कि उसे लाइफ में करना क्या है, उसे नहीं पता चलता कि उसके लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये कन्फ्यूजन है, पैथोलॉजिकल लेवल का ये कन्फ्यूजन है जो एक कॉन्फ्लिक्ट के वजह से आता है, जो अननेसेसरीली स्ट्रिक्ट बने हुए, हमेशा बच्चे की इंडिविजुअलिटी को सप्रेस करने वाले, डिनाई करने वाले पेरेंट के वजह से बच्चा एल्यूमिना में जाता है। और ये कंडीशन परसिस्टेंट रहने से दो चीज़ें होती हैं, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है या फिर जब उसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनता है, इम्पल्सिव बनता है, बहुत चिड़चिड़ करता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट बन जाता है, या अपने आप को हार्म करने की या दूसरे को हार्म करने की उसके इम्पल्स आते हैं, मतलब वो कोशिश करता है ऐसा नहीं कह सकते, बट ऐसा उसे होता है, उसके अंदर है ये चीज़ आते हैं, इसलिए वो इम्पल्सिव ये रूब्रिक के अंदर भी एल्यूमिना है। ये लोगों को हमेशा ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ करके अपनी आइडेंटिटी रखनी चाहिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन बींग हमारा ईगो जो है, जो कि पॉजिटिव ईगो है, वो अपनी आइडेंटिटी रखना चाहता है। तो ये जो बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी ही लोग खत्म कर रहे हैं, उसको लगता है कि अगर वो आर्ग्यू करेगा, गुस्सा करेगा, या फिर बहुत खींचा तानी करके अपना पॉइंट जो है वो रखेगा, तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट करने से वो अपनी आइडेंटिटी फ्रेम में लाना चाहता है, जो आइडेंटिटी वो खुद डिनाई कर रहा है, जो आइडेंटिटी उसे नहीं पता कि हाँ, अगर समझो आपको आप अपने क्या बोलते हैं, आप अपने माइंड फ्रेम में एक अच्छी इंसान हो, आप अपने माइंड फ्रेम में अपने लिए कुछ अहमियत रखते हो, तो वो बाहरी दुनिया से आप ज़्यादा सीख नहीं करते, आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी सुने ना सुने, कोई आपको अहमियत दे या ना दे, क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को अहमियत दी रखी है। पर जो अपने आप को अहमियत नहीं देता,
जो अपने आप को प्रायोरिटी लेवल पे नहीं रखता, अपने आप की वैल्यू जिसको नहीं पता, वो ही एक्स्ट्रा अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में खुद को घसीटता है और उस तरीके से अपने आप को कहीं कहीं तो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो ये भी एक फैसेट एल्यूमिना का हो सकता है, पर जनरली जो दिखाई देता है वो कन्फ्यूज स्टेट रहता है। सो जो पेशेंट्स रहते हैं तो उनको नहीं पता चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है, एंड दे आर नेवर इन पोजिशन टू फाइट फॉर themselves, क्यों उनको पूरा ख़त्म कर दिया है उनके सिचुएशंस ने, उनके अथॉरिटी ने, तो उन्हें नहीं पता कि हाउ टू पुट देयर ओन पॉइंट, हाउ टू टेक स्टैंड, हाउ टू बिल्ड देयर ओन आइडेंटिटी, एंड दे इवन डोंट नो हु दे एक्चुअली आर। उनका खुद का पोटेंशियल उन्हें नहीं पता। सो ये डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव फिजिकल सिम्टम्स, डिस्ट्रक्टिविटी, ये जो सारी निगेटिविटी है जो शुरू से उनकी लाइफ में आई है, ये सारी चीज़ें उनका कन्फ्यूजन बिल्ड करती है, ये सारी चीज़ें उनका आइडेंटिटी क्राइसिस बिल्ड करती है। तो ये है एक्चुअल में एल्यूमिना। तो ये एल्यूमिना देके आप ना बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जब जब आपको समझ में आता है कि सामने वाला इंडिविजुअल है जिसके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, जो कहीं तो मतलब वो गुम है, उसे नहीं पता वो कौन है, उसे नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, और उसके सिम्टम्स भी बहुत अजीब है, बहुत परेशान देने वाले, और वो बहुत परेशानी में है, और अगर ये जो सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की वो मैच होती है, तो ये जो ड्रग है एल्यूमिना, जो ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का, ये उसे बहुत अच्छे से राहत देगा। होम्योपैथी बहुत मैजिकल है, अगर आप अच्छे से समझते हैं इंसान को, अगर आप पेशेंट्स को अच्छे से जान जाओ, और आप अपनी दवाइयों को अच्छे से समझ पाओ, और सही दवाई सही इंसान को दे पाओ, तो आप उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम आई वॉज टोटली अ डिफरेंट पर्सन बिफोर स्टार्टिंग योर ट्रीटमेंट, एंड नाउ आई एम टोटली डिफरेंट, मेरे आजू बाजू के लोग वैसे ही हैं पर आई एम नॉट द सेम, आई हैव चेंज्ड, और अभी मैं मेरा लाइफ बहुत सॉर्ट हो चुका है। सो दैट इज द पावर दीज एनर्जेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन हैव। तो ये एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे से पढ़े, समझें और इम्प्लीमेंट करें ताकि रिजल्ट दे पाए। और डीप डाउन मुझे ये लगता है कि सारे होम्योपैथ इतना अच्छे से होम्योपैथी प्रैक्टिस करें कि दुनिया को ज़रूरत है हीलिंग की, और ये ताकत होम्योपैथी में है। तो होम्योपैथ चलो पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों को हील करते हैं।